तो चलो प्यारे बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कहता है कि ये प्लेनेट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है मास एम का अराउंड द सन। ये जो है वो सन, इसको मैं ले लेता हूँ, ये सन है और ये अपना प्लेनेट है और ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और इस प्लेनेट सन का मास एम एस ले लेता हूँ और प्लेनेट का मास एम है। कहता है मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, जो मिनिमम मैक्सिमम की बात करा तो ऑब्वियसली जो प्लेनेट है वो किस में घूम रहा है भाई। मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रही तो ऑब्वियसली जो प्लेनेट है वो घूम रहा है किस में, इलिप्स में। तो ये यहाँ से तुम देखोगे तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस वो स्मॉल आर है, दिस स्मॉल आर, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज़ द कैपिटल आर ऑफ दिस प्लेनेट। तो ये कैपिटल आर है, तो हमें इसका टाइम पीरियड स्मॉल आर कैपिटल आर के टर्म में निकालना है। देखो वैसे तो टाइम पीरियड का फार्मूला जो है सर्कल में तुम्हें याद होगा, जैसे फर्स्ट मेथड है, तो फर्स्ट मेथड अगर तुम देखोगे तो आई होप कि तुम्हें याद होगा सर्कुलर मोशन के लिए। तो टाइम पीरियड टी स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर की पावर क्यू। तो अब जब यहाँ से आर डैस, ठीक है, तो आर डैस क्या था, सर्कल का रेडियस। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो उस पे लग ये डिस्टेंस आर डैस है और ये मास ऑफ द बॉडी है और ये सन है। तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ये वाला इक्वेशन होल्ड हो जाता है, क्योंकि सेंटीपीटल की वैल्यू जो है वो ग्रेविटेशन के बराबर कर दो, तो सेंटीपीटल की वैल्यू क्या है, मास m r डैश ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ द सन मास ऑफ द प्लेनेट ओवर आर आर डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से m ने m को ख़त्म कर दिया और ओमेगा को यहाँ से खोल दो, तो ओमेगा आर डैश की वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू तो जी मास ऑफ द सन और आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से टाइम पीरियड की स्क्वायर की जो वैल्यू मिल के आती है वो होती है, देखो 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी और आर डैश की पावर क्यू, ठीक है। और यहीं से केपलर्स लॉ, मतलब टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आर डैश की पावर क्यू के प्रोपोर्शनल केपलर। बट ये तब सही है जब सर्कुलर मोशन हो रहा था, लेकिन अगर मोशन इलिप्टिकल हो तब क्या करेंगे। तो इलिप्टिकल है तो सिंपली ये है एक जुगाड़ है, तो आर डैश की वैल्यू तो मेजर एक्सिस रख दो, मेजर एक्सिस का एवरेज रख दो, मतलब स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 2 रख दो। तो यहाँ जो टाइम पीरियड डायरेक्ट दिखने लगेगा, टाइम पीरियड स्क्वायर इज इक्वल टू, घबराना नहीं, अभी अच्छा वाला भी बताऊंगा, पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। तो ये इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 की पावर क्यू। तो फाइनली तुम यहाँ देखोगे तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 पाई जी एम अंडर रूट इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर की पावर 3/2। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड इन इलिप्टिकल पाथ। ये क्या था, ये सर्कुलर पाथ में था, ये सर्कुलर पाथ के लिए लगेगा, ठीक है, और ये जो है वो इलिप्टिकल पाथ के लिए, इलिप्टिकल इलिप्टिकल पाथ के लिए लगेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये जो आर था सर्कल का रेडियस वो मेजर एक्सिस के एवरेज से रिप्लेस कर देगा। ये जो ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा आर डैश आर वन प्लस आर टू के सम के इक्वल हो जाएगा दिस डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम पीरियड जो वो आर वन प्लस आर टू मेजर एक्सिस पर डिपेंड करता है और माइनर एक्सिस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, एक तो तरीका ये हो गया कि इसका एवरेज दे कैसे रख दोगे। अब ये कैसे आया उस मेथड को समझने के लिए थोड़ा सा हमें प्रोसेस लंबा करना पड़ेगा, और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये ग्रेविटेशन का पार्ट है और हम जेई एडवांस का पढ़ाई कर रहे हैं तो बनता है, हम नीट वाले नहीं हैं अभी, तो चलो हरियाली ले लेते हैं, हरा रंग कलर ले लेते हैं। तो ये जो इलिप्स है बेसिकली, अगर तुम देखोगे, अगर कोई इलिप्स है तो ये इलिप्स, इलिप्स में ही हम लोगों की ज़िंदगी बीतती है नॉन मेडिकल वालों। तो ये यहाँ से हम लोग देखें प्यारे बच्चों, तो इस इलिप्स का जो ये वाला जो है,
ये कैसे आया, कहाँ से आया, मैं इसको समझा रहा हूँ, तो भाई टाइम तो लगेगा ना, तो अच्छा वाला लंबी कहानी है ये। तो ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है, और ये यहाँ पर है अपना प्यारा सा सन। तो ये है प्यारा सा सन जो हॉट है, तो हॉट सन है यहाँ से। तो ये जो प्लेनेट है वो यहाँ पर है, और ये वाली चीज़, तो अगर ये मैं देखूँ, तो अगर ये मेजर एक्सिस 2A है, ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 2B होती है, अपन इलिप्स में पढ़े हैं मैथमेटिक्स में। तो यहाँ से देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर आर, और दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर, ये वाली डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो ये वाली डिस्टेंस स्मॉल आर है। और इस स्मॉल आर जो है, आर मैक्सिमम आर मिनिमम बोला जाता है, और कैपिटल आर को हम आर मैक्सिमम बोलते हैं। तो यहाँ से तुम देखोगे, तुम ये भी पढ़े होगे कि सन के जो इलिप्स के फोकस से, इलिप्स के फोकस से ये जो सन है ये फोकस है, तो एक फोकस पे ये वाली जो डिस्टेंस है वो ए ई के इक्वल होता है। तो ये पूरा का पूरा जो आर आर मिनिमम का डिस्टेंस आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, तो आर मिनिमम आ जाएगा ए माइनस ए, दैट इज ए वन प्लस ई, वन माइनस ई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से तुम देखोगे वन माइनस ई के इक्वल है, और आर मैक्सिमम की जो वैल्यू आ जाएगी ए प्लस ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये पूरा आर मैक्सिमम मतलब ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज आर मैक्सिमम, दैट इज कैपिटल आर, तो वो इतना आ जाएगा। तो ये स्मॉल आर की वैल्यू है और ये कैपिटल आर की वैल्यू है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस ए, और ए प्लस माइनस ए, तो ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ से तुम देखोगे मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस ए की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2, सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस की जो वैल्यू आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी। तो चलो, अगर सेमी मेजर एक्सिस इतनी आ गई, तो अब इनको मैं सब्स्ट्रैक्ट कर दूं, पर अगर मैं आर मिनिमम माइनस आर मैक्सिमम कर दूं, तो मुझे कितना मिलेगा? तो आर मिनिमम ए माइनस ए, और माइनस ए इज इक्वल टू आर मिनिमम, मतलब होता है स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर कर दिया, तो मुझे क्या मिला? तो ए ने ए को ख़त्म कर दिया, तो जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये ए की वैल्यू आ गई, और ये सेमी मेजर एक्सिस आ गया। अब हमें इलिप्स की जो बातें हैं, इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है, यहाँ पर वन माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट है, बिकॉज यहाँ पर ए इज़ ग्रेटर देन बी है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो अगर ए माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा, और ए की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से तुम हमें तो यहाँ से ए स्क्वायर इतना आ गया, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, और ए की वैल्यू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली अगर हम देखेंगे, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर इज इक्वल टू, यहाँ से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, और मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये वाला, तो यहाँ से माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद तुम देखोगे, तो बी स्क्वायर की हमें वैल्यू आर और स्मॉल आर के टर्म में चाहिए भाई। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो 4 कैपिटल आर, 4 ए स्क्वायर हो गया ना, तो 4 कैपिटल आर और माइनस, तो यहाँ से ए ही यहाँ पर एक टर्म छूट गया है, मिसिंग है यहाँ पर,
टू भी आएगा, क्योंकि ए की जो वैल्यू है यहाँ से, एक मिनट, जो ए की वैल्यू यहाँ पर जोड़ोगे तो ए प्लस ए, ये टू ए दैट इज डिवाइडेड बाई टू, दैट्स वाई ये इतना लेंदी कैलकुलेशन जा रहा था, तो यहाँ पे टू आएगा। तो बेसिकली कोई बात नहीं, तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये डिवाइडेड बाई टू भी आएगा। तो इस टू को मैं यहाँ पर अब काउंट करूँगा, तो है कोई बात नहीं, तो ये यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से बेसिकली ए का जो वैल्यू रखेंगे तो देखो कितना मिलेगा यहाँ से, तो इस ए की जो वैल्यू रखेंगे वो आ जाएगा, बोलो, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर, और यह आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने का बी की वैल्यू आर स्मॉल आर के इक्वल आ जाएगी। ये तो हमें ये इतना आ गया, सेमी, ये क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू आ गई और सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू आ गई। तो इलिप्स की एरिया क्या होती है, तो एरिया ऑफ इलिप्स की अगर देखोगे, एरिया ऑफ इलिप्स, तो इलिप्स की जो एरिया होती है, तो एरिया ए इज इक्वल टू पाई ए और बी, सेमी मेजर एक्सिस है, तो पाई ए की वैल्यू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई टू कैपिटल आर स्मॉल आर अंडर रूट। बेहतर होगा कि ये वाला जो रिजल्ट है ये याद रखो, दिस इज द एरिया ऑफ इलिप्स, अगर इफ़ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स देन गुड इन फिजिक्स। तो ये जो है वो बेसिकली याद रखो कि एरिया ऑफ इलिप्स इतना होगा। अब भाई थर्ड लॉ ऑफ केपलर, तो केपलर थर्ड लॉ ये है कि अगर कोई प्लेनेट इलिप्स में चक्कर लगा रहा है, भाई सन का अगर कोई प्लेनेट चक्कर लगा रहा है, तो ये सन है, तो सन के राउंड अगर चक्कर लगा रहा कोई प्लेनेट, तो तुम देखोगे कि केपलर थर्ड लॉ की ये टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है, ये वाली लाइन यहाँ से, सेमी में ए और बी की वैल्यू, केपलर थर्ड लॉ नहीं, केपलर में केपलर थर्ड लॉ तो टाइम पीरियड का स्क्वायर कहता है, मैं यहाँ केपलर सेकेंड लॉ यूज करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम पीरियड निकालना। तो केपलर सेकेंड लॉ ये कहता है कि सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, तो बेसिकली सेकेंड लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन टू पाई, एम की वैल्यू क्या होती है, एक कॉन्स्टेंट होती है, एल अपॉन, वेयर एल इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सन, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सन, एम इज द मास ऑफ द प्लेनेट। तो अगर कोई प्लेनेट है टी इज इक्वल टू जीरो पर यहाँ था, तो टी टाइम बाद जब पूरा घूम के आएगा, तो यहीं पे घूम के आएगा, तो एरिया स्वीप करेगा, एरिया ऑफ इलिप्स के इक्वल होगा, तो एल अपन टू एम दैट इज द डी टी। अब मैं प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देता हूँ भैया, तो टी इज इक्वल टू जीरो पर एरिया जीरो था भाई, यहीं से चला था मेरे भाई, फिर घूम घूम के आएगा ऐसे, तो ऐसे जा रहा है फिर यहीं आएगा, तभी तो टाइम पीरियड होगा, तो टाइम पीरियड टी हुआ तो एरिया ऑफ इलिप्स हो गया। तो फाइनली ये जो ब्यूटीफुल हमें मिला, तो एल अपॉन टू एम टाइम पीरियड टी। तो कुल मिला के तुम देखोगे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या चाहिए था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई एम एरिया ऑफ इलिप्स डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलिप्स अबाउट द ओ इन इलिप्टिकल पाथ। तो अब एरिया ऑफ इलिप्स तो मैं निकाल लिया हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो एरिया ऑफ इलिप्स तो मैं निकाल लिया हूँ, लेकिन अब मुझे दोबारा इस प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो चलो इस प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम इन इलिप्टिकल पाथ, तो एंगुलर मोमेंटम इन इलिप्टिकल पाथ, तो इलिप्टिकल पाथ में एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली याद तो नहीं रहता है बच्चों को, तो ये अगर इलिप्स है अपना, तो बेसिकली यहाँ पर तुम देखोगे तो ये डॉट 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 लाइन है, और ये यहाँ पे मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, और ये यहाँ पर अपना एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए एक प्लेनेट कभी यहाँ भी है और वही प्लेनेट कभी यहाँ भी जाएगा। तो चलो मान लेते हैं कि प्लेनेट यहाँ पर है और कभी प्लेनेट यहाँ पर भी है और मोशन ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो सन है, ये प्यारा सा सन है, बहुत ही प्यारा क्यूट सा, तो यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो आर है, और ये पॉइंट ए बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, और ये डिस्टेंस बेसिकली कैपिटल आर है,
तो एंगुलर मोमेंटम की यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और यहाँ पर वेलोसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है। इसको मैं वेलोसिटी बी वन मान लेता हूँ, और और यहाँ पर जो वेलोसिटी मिनिमम है उसको मैं बी टू मान लेता हूँ, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इन दोनों पॉइंट ए और बी पर, ये पॉइंट ए लिए थे हम लोग और ये पॉइंट बी लिए थे, तो ए और बी पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम एट ए और बी पे मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक ना? क्यों? क्योंकि नेट टाउ जो है, नेट टॉर्क अबाउट द सन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सन के अबाउट नेट टाउ ज़ीरो है, क्योंकि जो जो टॉर्क बन रहा है वो सेंटीपीड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह, जब कभी भी प्लेनेट यहाँ है तो हमेशा जो है सेंटीपीटल जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन जो दे रहा है वो सन से ही पास हो रहा है, कहीं भी प्लेनेट है यहाँ पर तो हमेशा जो है वो सन से ही पास हो रहा है। तो इस वजह से जो नेट, बेसिकली जो नेट अपना किसी भी पॉइंट पे प्लेनेट है तो हर पॉइंट पे टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना अबाउट द सन, अबाउट द सन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट ए मस्ट बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट बी, मतलब मास ऑफ द प्लेनेट और वेलोसिटी वी वन इज इक्वल टू स्मॉल आर, मास ऑफ द प्लेनेट वेलोसिटी वी टू कैपिटल आर। तो यहाँ से मास ने मास को खा गया, तो यहाँ से वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी, वी टू की जो वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी निकालो ये जुलाई की जीविस, तो वी वन अपान स्मॉल आर कैपिटल आर। अभी इसको हमें रहने ऐसे ही रहने देते हैं। सेकेंड हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, बाई फर्स्ट हमने लगाया बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमने कंजर्व करा दिया, और ये बात याद रखो प्यारे बच्चों, अगर ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो ये लॉ हमारे लिए, दो लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा सॉल्व करेंगे, खास करके जेई पॉइंट्स ऑफ व्यू से। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी, इन दोनों पर मैकेनिकल एनर्जी की पॉइंट की वैल्यू देख दो, तो ए पर काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ द प्लेनेट बी वन का स्क्वायर बी वन, और माइनस पोटेंशियल एनर्जी मास ऑफ द सन और मास ऑफ द प्लेनेट ओवर स्मॉल आर, बराबर होगा बी पे काइनेटिक एनर्जी हाफ मास और वेलोसिटी वी टू का स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ द सन और एम और कैपिटल आर, ये वाला। तो ये जो पहला जो वी टू आया था, यहाँ से वी टू निकाल के तुम यहाँ से वी टू इसमें पुट कर दोगे, तो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टू टाइम्स जी मास ऑफ द सन स्मॉल आर इज इक्वल टू, अब ये टू से मल्टीप्लाई कर दिए, एम खत्म हो गया, तो वी टू का स्क्वायर मतलब वी वन स्क्वायर स्मॉल आर अपन इसका कैपिटल आर स्क्वायर, सभी का स्क्वायर चढ़ेगा, और टू टाइम्स जी मास ऑफ द सन और रेडियस से। तो यहाँ से वी वन कॉमन हो जाएगा, ये इधर आया, मतलब समझ रहे हो, तो यहाँ से वी वन स्क्वायर में कॉमन ले लिया, तो वन माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा टू टाइम्स जी मास ऑफ द सन, इधर आ गया वन अपन आर माइनस वन अपन कैपिटल आर, इधर बच गया, तो वी वन स्क्वायर की जो वैल्यू बचे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू टू टाइम्स जी मास ऑफ द सन और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और स्मॉल आर कैपिटल आर, ये तो पूरी जो कहानी है। तो वेलोसिटी वी वन, अब यहाँ इसको तोड़ोगे तो वेलोसिटी जो वी वन आएगी वो देखो, एक आर स्क्वायर वाला इधर बचेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी बचेगा, और ये एक आर ने एक आर को यहाँ से खा गया, तो यह आ जाएगा टू जी मास ऑफ द सन कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की सब कुछ पावर वन बाई टू। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये वाली जो अच्छी सी हमें मिल गई दे, ये जो है वी वन की वेलोसिटी मिल गई। आप वी टू भी निकाल सकते हैं, ए जू लाइक ए जू विश, तो मेरे भाई आपकी मर्जी, आप वी वन भी निकाल सकते थे, वी टू भी निकाल सकते थे, और ये यहाँ से स्मॉल आर में भी मल्टीप्लाई होगा, ये स्मॉल आर मेरा छोटू छोटू तो इधर रह, तो ये यहाँ से तो वी वन आ गया। एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ए बराबर होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट बी, तो मास ऑफ द प्लेनेट वी वन आर वन, तो मास ऑफ द प्लेनेट आर वन, और वी वन की वैल्यू अभी मैं निकाल के लेके आया हूँ, तो टू कैपिटल जी एम मास ऑफ द सन
और यहाँ से देखो ऊपर जो है ये बी वन, तो कैपिटल आर यहाँ से कैपिटल आर और डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये सब कुछ अंडर रूट के इक्वल आ गया। तो यहाँ तुम देखोगे तो मास एम इस आर वन की वैल्यू जो है, आर वन की जो वैल्यू थी वो आर थी, तो इसको मैं अंदर घुसा दूंगा तो आर स्क्वायर बचेगा, तो जो एंगुलर मोमेंटम बचेगा वो 2 टाइम्स जी मास ऑफ द सन कैपिटल आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्मॉल आर अंडर रूट, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट ए अराउंड द सन। अब हमारा जो है बेसिकली जब एंगुलर मोमेंटम हमें निकल गया तो फाइनली मुझे अब एरिया पता चल जाएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो, तो सेकेंड लॉ लगाओगे तो अभी जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आई थी, सेकेंड लॉ देखो टाइम पीरियड की वैल्यू वो 2 टाइम्स मास ऑफ ये देखो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है 2ma अपॉन एल था, क्योंकि dA अपॉन dt की जो वैल्यू है वो एल बाई अपॉन 2m है, ठीक है, तो एल बाई अपॉन 2m, तो एरिया ए टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m, तो यहाँ से टाइम पीरियड ए, तो अब फाइनली ये जो वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से टाइम पीरियड टी जो दिखेगा तो 2 मास ऑफ द प्लेनेट और ए एरिया एरिया ऑफ इलिप्स पाई स्मॉल आर, एरिया ऑफ इलिप्स हम पहले ही निकाल चुके थे, देखो यहाँ पे ऊपर जाओ तो ऊपर जाओगे तो एरिया ऑफ इलिप्स कितना आया था, तो यहाँ से लंबा सवाल हो गया, एरिया प्लस पाई मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का प्रोडक्ट आया था, तो यहाँ से स्मॉल आर कैपिटल आर और डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से स्मॉल आर कैपिटल आर और ये सब कुछ अंडर रूट और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से एरिया ऑफ इलिप्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम अभी 2 पॉइंट जी मास ऑफ द सन कैपिटल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और ये सब कुछ अंडर रूट, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी देखो 2 पाई साइड में रहने दो, तो 2 पाई यहाँ साइड में रहने दो जो साइड में आ गया और यहाँ से ये प्रोडक्ट में है तो नीचे जो आ जाएगा 2g मास ऑफ द सन ये अंडर रूट और इधर जो बचेगा वो बचेगा देखो इधर जो बचेगा वो यहाँ से तुम देखोगे इस 2 ने इस 2 को ख़त्म कर दिया, तो इस 2 ने इस 2 को ख़त्म कर दिया, तो बेसिकली अगर तुम देखोगे इसको पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा, हाँ सॉल्व करने के बाद ये जो टाइम पीरियड आ जाएगा देखो, तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी वो ये 2 ने ये 2 को ख़त्म कर दिया, तो ये वाला जो 2 है वो इस कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं आएगा, ये तो फाइनली इसको सॉल्व कर लेना तो टाइम पीरियड 2 की जो वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की पावर क्यू और यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल आर की पावर क्यू डिवाइडेड बाई 2gm की पावर, अभी भी यहाँ पे ये पूरा इसको सॉल्व करने के बाद एक काम करो तुम, इसको ये वाला जो टर्म है अब देखो यहाँ से तुम देखोगे तो बेसिकली देखो इस 2 ने इस 2 को ख़त्म कर दिया तो पाई साइड में आ गया और ये रूट में चला गया, तो और रूट में था तो क्यूब हो गया, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की पावर 1/3 आ गया, ठीक है, तो वन बाई थ्री अगर रूट जुड़े जुड़े गया प्लस आर प्लस स्मॉल आर की पावर 1/2, तो ऊपर में इतना बनेगा और नीचे में अगर तुम देखोगे तो ये रूट ये वाला रूट इससे ख़त्म हो गया, तो 2gm और जो रूट 2gm नीचे बचा है तो वो सब कुछ रूट के अंदर रहेगा, तो 2 टाइम्स g मास ऑफ द सन अंडर रूट, तो फाइनली टाइम पीरियड 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल की ये क्यूब और डिवाइडेड बाई 2gm मास ऑफ द सन ये सब कुछ अंडर रूट, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और यही सलूशन हमें मिला था, तो अपना फीडबैक, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की आपके लिए, तो यार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो और IIT JEE में अच्छे रैंक आए तो कमेंट करो और
मैं आपको पूरे अच्छे से जो भी चैप्टर सिखाऊंगा बेहतर तरीके से सिखा दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।